सर इसके माइनस वन प्लस माइनस अंडर तो ये रूट जो में भी माइनस क्वाड्रेटिक थ्री है बाय टू आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है, इसके लिए डी जो है वो कैसा आ रहा है, लेस देन लेस देन जीरो। जीरो, और ए इसका कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये वाली वैल्यू तो कैसी, ऑलवेज पॉजिटिव ही तो है, कुछ भी आए आएगा हमेशा पॉजिटिव। ये वाली बात यस सर। बोलो बेटा सुयश, हाँ सर। क्लियर है ना ये वाली बात। यस सर। ओके तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर अपने को पता चल जाए कि कोई भी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट जीरो में भेज देंगे, कहीं कोई जीरो दिक्कत में वाली बात नहीं। भाई। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो है, नेगेटिव तो कभी बनेगा नहीं ना, कभी जीरो बनेगा। यस तो सर। ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये तो एक तरह से ऑलवेज मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट ही हो गया कुछ ना कुछ, पर मतलब ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव करने में कुछ भी इसका रोल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। नो समझ गए बात को। सर। ओके तो यस ये जीरो सर। में चला गया सर, भाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, भाई दोनों तरफ क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से बहुत सारे डिवाइड कर दो, तो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो डिवाइड बाय कुछ पॉजिटिव सी दो। ओके तो यस सर फिर सर। एक्स माइनस वन स्क्वायर ही बचेगा। ओके बिल्कुल यही वाली बात है भाई, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड में देखो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं यस सर। एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, क्लियर है वाली बात। यस सर। नेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का क्यूब, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो x का कोफिशिएंट पहले 1 बनाना पड़ेगा बेटा। यस सर। टू कॉमन ले लो ओके तो मतलब 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x प्लस एक्स 1 बाय प्लस 2 हो वन जाएगा बाय ये, टू क्योंकि का यहाँ होल पे क्यूब। 1 है, 2 तो अवेलेबल नहीं है, तो सर माइनस माइनस टू कॉमन लेके पूरा ही हो सकता है ना, माइनस टू, मतलब मतलब सर। अच्छा हाँ, नहीं हो माइनस टू सकता। कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर। ओके इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये क्या आ गया जीरो, यहां तक क्लियर है, यस ये तो ठीक बात है, एक्स माइनस तो ये एक्स का कोएफिशिएंट बना और बीच में माइनस का साइन है, ठीक है ये तो है जैसा है वैसा एज इट इज लिख देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो माइनस क्रिएट करना पड़ेगा भाई, एक्स माइनस माइनस ऑफ वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये तो फ्री हो गया। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस ऑफ टू। हाँ ये टू का क्यूब हो जाएगा, तो टू का क्यूब पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो में चला जाएगा, और ये हो जाएगा यस। एक्स माइनस माइनस एक्स वन बाय प्लस टू का होल का क्यूब इज होल ग्रेटर देन और क्यूब इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा जीरो, क्लियर है वाली बात याद है। जीरो। यस सर। ओके अब देखो भी क्रिटिकल पॉइंट्स डिनोट करते हैं अपन, सबसे स्मॉलर देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आए क्या क्या, पहले तो भाई माइनस साइन के साथ बाद ये जो पहला माइनस साइन है इसके बाद जो भी होता है वो अपना क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पे वन, यहाँ पे कितना है वन माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ माइनस पे टू माइनस वन बाय टू सबसे स्मॉलर कौन सा है, माइनस माइनस टू टू देन माइनस माइनस वन वन, माइनस वन देन माइनस माइनस ऑफ वन बाय टू वन माइनस वन बाय टू देन उसके बाद ओके सबसे राइट साइड में प्लस साइन प्लस पॉजिटिव माइनस उसके बाद यहाँ पे देखा कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, वन की पावर वन, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से है, इस वाले फैक्टर से आया, यस सर। पॉजिटिव प्लस इसकी पावर कैसी है, ही आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस है, तो इसके अराउंड इस वन के दोनों तरफ साइन कैसा आएगा, सेम आएगा, दैट मीन्स इधर प्लस तो इधर भी प्लस आ जाएगा, यस। माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू कहां से आया, इसकी पावर तो कैसी सर है, माइनस का ऑड 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 है और तो प्लस माइनस है, तो इसके अराउंड साइन जो है अगर ऑड पावर आती है तो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव
और अगर इवन आता है तो सेम रह जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन माइनस वन की, माइनस वन का कहाँ है ये रहा भाई, इसकी पावर कैसी है, वन, वन कैसा ऑड, ऑड है तो साइन फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इंक्लूड कर लो सीधा सीधा माइनस इनफिनिटी से माइनस वन तक ही लिख लो यूनियन, फिर माइनस हाफ से कहां तक जाएगा इनफिनिटी, यस सर। तो इसमें सर माइनस तो अपन माइनस एक्स्ट्रा कौन सा वाला माइनस वन माइनस टू माइनस टू, हाँ सर सॉरी माइनस टू और ऐड कर लेंगे वन को, माइनस वन को तो यहाँ पे इंक्लूड ये नहीं था, ये रहा माइनस वन तक सारी वैल्यूज आ गई यहाँ से आता है, फिर माइनस हाफ को इंक्लूड नहीं करना था, नहीं किया, फिर उसके बाद वन को तो इंक्लूड करना, इससे आगे वाली सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना था, तो ये आ जाएगा इसका सर वन को, सर वन को तो इंक्लूड करेंगे ना माइनस, बेटा माइनस हाफ से इंफिनिटी में वन को आ गया ना, अच्छा इससे आगे वाली सारी वैल्यूज ले रहे हो तो उसमें वन तो आ गया कहीं ना कहीं, यस सर यस सर, आया समझ में अच्छे से ये, यस सर यस सर, हो गया नोट डाउन ये, यस सर, अच्छा स्क्रीनशॉट लिया और यस सर लिखना नहीं है मतलब, नहीं सर ये लो वीडियो ऑन कर नोट किया है सर, चलो फिर ठीक है, लिखे नेक्स्ट, यस सर यस सर, चलिए नेक्स्ट एक तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, सर मैं तो इससे पहले वाले में वो कर रहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फर्स्ट वाला जो टर्म था ना उसको रूट्स निकाल रहा था, वो कब करना है, इसलिए तो दोनों चीजें अलग अलग बताई तुम्हें, डी लेस देन जीरो का अलग बताया और डी ग्रेटर देन जीरो का अलग बताया, क्योंकि लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो हो गया ना तो अपने को पता है कन्फर्म ये पता है कि क्वाड्रेटिक का वैल्यू या तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा या फिर ऑलवेज ही नेगेटिव होगा, तो अपन देख लेंगे डी लेस देन जीरो आ रहा है तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो बहुत सारे डिवाइड कर देंगे कोई साइन वाइन चेंज नहीं होगा, और अगर ऑलवेज नेगेटिव बन रहा है तो अपन क्या करेंगे बहुत सारे डिवाइड कर देंगे और नेगेटिव, इसका मतलब ऑलवेज नेगेटिव था उससे अपन ने बहुत सारे डिवाइड किया साइन चेंज कर देंगे बस उस क्वाड्रेटिक का उतना सही रोल रहेगा वहां पे, अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फिर इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होने में रोल मतलब रहेगा उसका, उसके बाद अपने को अपन सोचेंगे कि इसके रूट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि अगर डी लेस देन जीरो आ जाएगा तो रूट फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलवेज या तो पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव, डी लेस देन जीरो फिर सीधा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक किया वो अपने आप बता देगा कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव, जल्दी से बता दो x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो फाइंड x बिलोंग्स टू,
सर इसका आंसर इनवैलिड होगा क्या? सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना वन में? सर गए क्या? सर यस सर ये वन में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होगा बेटा, बताओ कैसे होगा इनको। हाय कर दो सबको। अरे भाई साहब ये कौन है? चलिए ओके तो हाँ बताइए आप क्या कह रहे थे तुम लोग? सर ये वन में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या पूरा? क्या करना है? x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, तो वन नहीं बनेगा क्या ये? हाँ बनेगा। तो सर ये तो ऐसे ही ग्रेटर देन 0 है। जीरो सही है ये तो। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा? x बिलोंग्स टू वन। x बिलोंग्स टू वन। हाँ सर ऐसे यूं कर देंगे ना, ब्रैकेट में वन लगा देंगे। अपने को ये बताना है, ब्रैकेट लगा देंगे। अरे बेटा अपने को x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जीरो से बड़ा बने, ये पूछना चाह रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या रख सकता हूं जिसे कि इसकी नेचुरल नंबर्स। सर 1 से इनफाइनाइट और सारे नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होगा और 1 पे ओपन और हां सर 1 से इनफाइनाइट पे सर 1 से इनफाइनाइट। हां सर 1 से इनफाइनाइट। हां यस सर और कुछ नहीं हो सकता ऐसे ही होगा सर, और तो सर, कुछ नहीं होगा। हाँ मतलब सर कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। तो देखो बेटा जब भी अपने को सर, क्या होगा माइनस वन से माइनस इनफिनिट भी हो सकता है। चलिए माइनस इनफिनिट से पॉजिटिव इनफिनिट, प्लस इनफिनिट से माइनस इनफिनिट, या माइनस मतलब ऑल रियल मतलब ये तो हुआ। यस सर। सर जीरो को छोड़ के सर एक्सक्लूडिंग जीरो नहीं। चलिए देखते हैं भाई, देखो एक्चुअल में जब भी क्यों जीरो जीरो को भी कर सकते हैं, क्यों जीरो करोगे तो ये वन बनेगा ना, वन इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ सही है। अब एक बात ध्यान से सुन लो कि जब भी अगर ऊपर नीचे मतलब ये तो ठीक है एक एक ही फैक्टर है, अब यहाँ पे कई सारे फैक्टर बन रहे हो और डिवाइड में भी इधर कई सारे फैक्टर बन रहे हैं और यहाँ पे मान लो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या हो गया सेम हो, क्लियर है वाली बात? यस सर। वो तो ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसी इनइक्वालिटी के ही तो सॉल्यूशन पूछना चाह रहा है वो, भाई ये पूरी इनइक्वालिटी इसी का सॉल्यूशन तो पूछना चाह रहा है। यस सर। इसका मतलब इसको अगर अपने कैंसिल करके इन दोनों को हटा ही दिया तो इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या होगी, जैसे मान लो कि मैंने इसको क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, तो कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा वन ग्रेटर देन जीरो, सॉल्यूशन ये आया वन इज ग्रेटर देन जीरो। अब वन ग्रेटर देन जीरो कब होता है? ऑलवेज। वन तो जीरो से हमेशा ग्रेटर ही होता है। यस सर। बट क्या नहीं हो सकता, x माइनस वन और x माइनस वन कैंसिल आउट हर बार हो जाएगा, लेकिन ये जो डिवाइड में बन रहा है ये डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? जीरो। जीरो नहीं हो सकता। That means x का वैल्यू इस वाले केस के लिए क्या नहीं हो सकता? वन। वन नहीं हो सकता। x never be वन। वन। क्योंकि x का वैल्यू अगर वन हो गया तो x का वैल्यू वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन ये क्या हो जाएगा? जीरो क्या नहीं होता तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। सुनो मेरी बात बेटा,
अच्छा 0.0 इनफाइनाइट हो सकता है, हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, इनफाइनाइट होता है। 0.0 अगर 1 होता तो फिर तो ये 2.3 आंसर आया अपना, 0.0 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो कुछ भी होगा उसका तो हर बार आंसर फिर तो 0 ही आता है, 1। चलिए तो बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या सीखने को मिला, अपने को सीधी सीधी बात ये सीखने को मिली कि अगर मैं क्या करूं, अगर कभी भी इस टाइप से फैक्टर, अब आगे से क्योंकि छोटी क्लासेस में तो अपने को ये सब बातें पता नहीं, आगे से कभी भी अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में फैक्टर्स कैंसिल कर रहे हो तो ये चीज जरूर मेंशन कर लेना कि जो भी फैक्टर कैंसिल हो रहा है वो फैक्टर जीरो किस पॉइंट पे बन रहा था, वो कभी उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, समझ गए बात को, मतलब वो वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ऐसा होता तो सब ऐसे माइनस वन कर सकते, माइनस वन तो होगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस वन रखो, देख लो इसमें एक्स का वैल्यू माइनस वन रखो, माइनस टू अपॉन माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सर वन के अलावा जितनी भी वैल्यूज है सर वो सब हो सकती है, दैट मींस यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल, बस क्या नहीं हो सकता माइनस वन, वन नहीं हो सकता। ओके यस सर, ओके चलिए बेटा बाकी कहने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, बढ़िया से पढ़ो, ओके थैंक यू सर, ओके बाय सर, बाय सर, बाय बेटा।